गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर SST क्लास एंड स्टूडेंट्स. टुडे आई एम कंटिन्यूइंग योर चैप्टर 5, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. एंड टुडे इज माई टॉपिक इज मैनग्रोव फॉरेस्ट. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वी आर डूइंग द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन दिस चैप्टर. एंड टिल नाउ आई एक्सप्लेन यू द फोर टाइप ऑफ फॉरेस्ट. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, then tropical deciduous forest and tropical throne forest and the mountainous forest. These four type of forest we have already discussed. We discuss about the various features of these type of forest as well as the various type of plants and animals that found in these forest. Now the last one is left, and that is the mangrove forest. Now in today's video I am covering this mangrove forest and also covering the next topic, that is wildlife. Okay, so let's start it. The first is mangrove forest. What do you mean by mangrove forest? Exactly, this is a special type of forest, and these are also known as tidal forest. Hum inko tidal forest ke naam टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं. वाई टाइडल? बिकॉज दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द टाइडल रीजन्स, इन द रीजन्स वेयर द टाइड्स आर कॉमनली, टाइड्स आर वेरी कॉमन. ओके, टाइड्स, यू ऑल नो वट इज टाइड. टाइड इज द सी वाटर वेन इट इज द अपराइजिंग ऑफ सी वाटर एंड द डाउनफॉल ऑफ सी वाटर. That is called tides. And normally in the sea, in a day, twice a tide has come. Okay. So, mangrove forest, mainly known as tidal forest, because these are found into the areas where the tides are very common. Okay. So, let us read it. The mangrove tidal forest are found into the areas of coastal influenced by tides. Mud and silt get accumulated on such coast. In coast में क्या होता है? Mud and silt. मिट्टी और जो अपने द्वारा जो जल पानी जो है बहा कर लेकर आया होता है silt, वो दोनों accumulated हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं on the coast, coastal area पर. ठीक है? Dense mangroves are the common varieties with roots of the plant submerged underwater. और ये डेंस मैनग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं. डेंस मीन्स घने होते हैं बहुत ज़्यादा. ओके, एंड आर कॉमन वराइटी विद रूट्स ऑफ द प्लांट्स. और इसकी कॉमन वराइटी क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स कहाँ होते हैं? सबमर्ज अंडर वाटर, वो पानी के अंदर होते हैं. रूट्स आर अंडर द वाटर. एंड द डेल्टाज ऑफ गंगा एंड महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन. इन इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं ये? डेल्टाइक रीजन में मिलते हैं, बिकॉज इन डेल्टा रीजन टाइड्स आर वेरी कॉमन. तो डेल्टा रीजन पे मेनली हमें मैनग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं. ठीक है? अब इन आर कंट्री डेल्टाइक रीजन आर गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी. These areas are covered by this type of vegetation, or we can say that the mangrove type of vegetation. Brahmaputra Delta, it is Sundari trees are found. Ganga and Brahmaputra Delta mein ek particular type of trees milte hain, that is known as Sundari tree. And Sundari tree are a one type of mangrove type of forest. Ye mangrove type of forest ka ek type hai. एक स्पीसीज है दैट इज फाउंड इन द मैनग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट. एंड बिकॉज ऑफ दीज सुंदरी ट्रीज द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हैविंग अ ग्रेट फॉरेस्ट एरिया दैट इज नोन एज सुंदरबन. द सुंदरबन इज नेम्ड बिहाइंड दिस सुंदरी ट्रीज. ओके, दिस इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड. एंड सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड अ ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर. ये और सुंदरी ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? अ ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर. टिम्बर के लिए बहुत बेनिफिट
बहुत ही परफेक्ट जो टिम्बर है वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं बाय द सुंदरी ट्रीज़। इसके अलावा पाम, कोकोनट, कोरिया, अगर ऑल्सो ग्रोज इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा। दीज आर सम अदर स्पीसीज दैट आर फाउंड इन दीज मैनग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ओके, रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। सो दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर दी हैविंग दीज टाइप ऑफ एनिमल्स एज वेल एज दीज प्लांट्स इन दिस एरिया। ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू अगेन दैट मैनग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज दैट दीज आर फाइंड इन टू द कोस्टल एरियाज वेयर दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। एंड सेकेंडली, दीज ट्रीज रूट्स आर सबमर्ज अंडर वाटर। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट। वन, दैट दीज फाउंड इन टू द टाइडल रीजन। सेकेंडली, द प्लांट्स सबमर्ज्ड, रूट्स ऑफ प्लांट्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। एंड सुंदरी ट्री इज द फेमस स्पीसीज ऑफ द मैनग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ओके, सो ऑल दीज अबाउट योर मैनग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट। लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द मैनग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट और अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। लेट अस डिस्कस वट विल हैपन इफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। इट इज अ डिस्कसिंग पॉइंट, इट इज द पॉइंट फॉर डिस्कशन दैट इफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिसअपियर ऑन द अर्थ सर्फेस देन वट हैपन। कैन द ह्यूमन बींग सर्वाइव अंडर सच अ सिचुएशन और बायोडाइवर्सिटी? वाई इज द बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी एंड वाई शुड इट बी कंजर्व्ड? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कैन वी सर्वाइव विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स? इफ नॉट देन वाई वी आर रेगुलरली डिक्रीजिंग द फॉरेस्ट एरिया और दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द एनिमल लाइफ और वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। वाई इफ वी आर नॉट एबल टू लिव विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स देन वाई ह्यूमन बींग बाई हिज ओन एक्टिविटीज डिक्रीजिंग दीज वराइटी ऑफ स्पीसीज of both in plants and animals or we can say that both in flora and fauna? And the one thing is also, why is biodiversity necessary? Diversity necessary kyun hai? Why we want different type of plants and different type of animals? Okay, so these are the very important points. Let's think about these points. Okay, so come on the next topic of the chapter, that is wildlife. Very important topic, wildlife of the country. Before it, here we have something that is about the medicinal plants. I am not reading it here. You have to be read it yourself. Here we have some medicinal plants and its feature also. You just read it, where we are using these type of plants, which type of diseases can be removed by these medicinal plants. Okay, so read it yourself and it is also very important for your GK. General knowledge ke liye bahut achhi hai ye, so read it. Now come on, the next is wildlife. Wildlife, as you remember students, in the starting of the chapter, I also discussed the wildlife of the country. Or we can say the fauna of the country, in which I discuss that there is a large variety of wildlife in our country. There are 90,000 species of animals, variety of fish, both in fresh and marine water. ये हम पहले भी discuss कर चुके हैं. Now we will discuss this in with full explanation. So like its flora, India is also rich in its fauna. Flora ki tarah India apni fauna mein bhi rich hai. It has approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of birds and they constitute 13% of the world's total. अगर हम फोना की बात करें और फ्लोरा की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं कंट्री में.
जिसमें से 2000 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, जो कि 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, पूरे वर्ल्ड के 13% पोर्शन को कवर करते हैं। देर आर 2546 स्पीसीज ऑफ फिशेस विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। यू हैव टू बी लर्न दिस डाटा because if you have the question that write a short note on the fauna of the country, then you have to be mention all these things. So read it very carefully. Okay, now it also shares between 5 and 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals. 5 to 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals. This is the richness of our fauna. Now come on the next. The elephants are the most majestic animal among the mammals, and they are found in the hot, wet forest of Assam. Elephants, as we know that this is the largest animal, land animal, mammals mein. Theek hai? And one horned rhinosaur are the other animal which is live in swampy and marshy land of Assam and West Bengal. These are the two important features of the Assam and West Bengal, that the elephants are found here very common, and the one on rhinosaur is also common here. Okay, now arid areas of the run of Kutch and the Thar desert are the habitat for wild ass and camels respectively. Here I am discussing you the living place of that particular type of animals. Indian bison, okay, नील गाय, ब्लू बुल भी कहते हैं हम इसे, ठीक है। इसके अलावा चौसिंगा, फोर हॉर्न एंटीलॉप, गेजल एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इट ऑल्सो हैज सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज, मंकीज की बहुत सारी स्पीसीज हैं हमारे कंट्री में, ठीक है। India is only country in the world that has both tigers and lions. Very important point to be noted down, that we are the only country in the world that have both tigers and lions. The natural habitat of the Indian lion is the Gir forest in Gujarat. Tigers are found in the forest of Madhya Pradesh and Sundarbans of West Bengal and the Himalayan region. Leopards too are the member of the cat family, and they are important among the animals of prey. Tigers are found in the forest of Madhya Pradesh. Tigers Madhya Pradesh ke forest mein milte hain. Lions kahan milte hain? In the Gir forest in Gujarat. Read these lines very carefully, because this is also helpful in the map. Gir forest is in Gujarat, Sundarbans in West Bengal. Leopards too are member of the cat family, and they are important among the animals of prey. Prey matlab jo shikar karte hain, theek hai. The Himalayan harbor, a hardy range of animals. Himalayan mountains are also have variety of animals that can survive in extreme cold condition. Ladakh's freezing high altitude are a home of yak. Ladakh mein hame kya milta hai, jahan par freezing point rehta hai, but still that is a home of yak. A shaggy horned wild ox weighing around 1 ton, 1 ton के आसपास वेट होता है याक का. The Tibetan antelope, the Bharal, blue sheep, wild sheep and the Kiang, Tibetan wild ass. These are the common animals of the Himalayan harbor, Himalayan region. Further monkeys, more, the ibex, bear, snow leopard and very rare red panda are found in certain pockets. These are the animals that found in the Himalayan region.
So all this shows the richness of our wildlife. When you are having a short note on your phone, you have to be mention all these things. Not only this. This is one point. This swampy land portion, one on elephants, run of Kutch is the home of camels and wild ass. This is your second point. Third point is that we have the only country with tigers and lions both in Gujarat and Madhya Pradesh. Then fourth point is this one, that Himalayan have also the freezing point. At the freezing point, we have variety of species of animals. Okay, so the whole page covered a question for you. And in the river, lakes and coastal area, turtles, crocodiles, gharials are found. This is also shows a variety of fauna. Okay. The letter is the only representatives of a variety of crocodiles found in the world today. Bird life, that is also colorful in our country. Peacock, pheasants, ducks, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and the wetlands of the country. Same as we have very rich in fishes also. We all experimented and selected many medicinal plants. Animals are selected from large stock provided by nature as a niche animal. This shows you the importance of ecosystem for both plants and animals. But today I am not discussing this. We will discuss this topic in the next video. Okay, so today this is enough that you what is in our wildlife. Okay, goodbye.